हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब के चैनल विश्वकर्मा रियल एस्टेट में आपका स्वागत है। मैं विमल बहल विश्वकर्मा रियल एस्टेट से आपको जोन सी पिछली वीडियो के बारे में बताया था ग्रेटर पंजाब ऑफिसर सोसाइटी के बारे में कि वहां पे अपना प्राइस के लिए, और सेम यहां पे भी अपना प्राइस बढ़ने वाला है। ये है अल्टस की सी ओ डी पॉकेट। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी हुई तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक के ऊपर में कनेक्ट करके आप पिछली वीडियो भी देख सकते हैं ग्रेटर पंजाब ऑफिसर सोसाइटी की, जिसके बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दी थी। 333 के यार्ड, 475 के यार्ड, 950 के यार्ड्स के साथ साथ में कमर्शियल भी मिलता है। तो साथ में आपको लेकर के आया हूँ सी ओ डी पॉकेट अल्टस की। ये जोन सा प्रोजेक्ट है सी ओ डी पॉकेट के अंदर में, आप देख सकते हो मेरे बैक साइड पे स्कूल रनिंग में है किस जी, और साथ में आप डेवलपमेंट देख सकते हो डी पॉकेट की कि यहाँ पे 475 के यार्ड और 95 के यार्ड से के प्लॉट्स हैं, और साथ में आप सी पॉकेट की भी देख सकते हैं। ये बेसिकली मेडिसिटी रोड है, VR5 रोड, जो कि आपको बताया था PR4 के साथ में कनेक्ट होगी। ये ऑलमोस्ट पूरी की पूरी कंप्लीट हो चुकी है, ग्रेटर पंजाब तक कंप्लीट हो चुकी है। ये भी अपना 100 मीटर का पैच पेंडिंग पड़ा हुआ है अल्टस का, तो आप देख सकते हैं रोड कनेक्टिंग में है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको जानकारी देता हूँ अल्टस की सी और डी पॉकेट में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सी पॉकेट और डी पॉकेट के अंदर में 95 के यार्ड से लेके 1000 के यार्ड्स तक के प्लॉट्स अवेलेबल हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अब आपको लेकर के चलता हूं कनेक्टिंग की ओर कि भी कहां कहां पे कितनी कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, अब हम पहुंचे हुए हैं VR5 रोड से PR4 रोड की कनेक्टिंग के लिए। आप देख सकते हो सिर्फ थोड़ा सा पैच ही पेंडिंग पड़ा हुआ है ये PR4 का कनेक्ट होते हुए। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ डी पॉकेट में। डी पॉकेट में साथ में आपको छोटे जोन से प्लॉट की इन्वेस्टमेंट और रहने के लिए, और यहाँ पे कितने के लोग रह रहे हैं अप्रोक्सीमेट आपको आइडिया हो जाएगा। आप सामने देख सकते हो ये बिल्कुल मेडिसिटी रोड है, आप बिल्कुल स्ट्रेट मेडिसिटी के लिए जा सकते हो। इसके बाद में अल्टस, ग्रेटर पंजाब, फिर DLF, फिर Eco City 1, और साथ में ही मेडिसिटी आ जाता है। और फ्रेंड्स, ये आ गया है अल्टस की डी पॉकेट। डी पॉकेट के अंदर में यहाँ पे आपको मिलेगा 95 के यार्ड से लेके 100 के यार्ड्स का प्लॉट स्टार्टिंग में। अगर हम बात करें आप रहने के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं तो ये अच्छी कनेक्टिंग है, और इन्वेस्टमेंट के लिए आपको अच्छी इन्वेस्टमेंट भी दे जाएगी। और साथ में यहाँ पे अगर हम बात करें 238 के यार्ड और 333 के यार्ड और 475 के यार्ड्स के प्लॉट्स हैं। डी पॉकेट में 1000 के यार्ड्स के प्लॉट्स नहीं हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये छोटे प्लॉट्स इन्वेस्टमेंट और रहने के लिए सबसे अच्छी है। आप देख भी सकते हो कितनी कंस्ट्रक्शन हो रखी है यहाँ पे। ये आगे सेम रोड 200 वाइट रोड। अगर हम बात करें अब स्टार्टिंग हो जाती है 333 के यार्ड्स के प्लॉट्स की, आप यहाँ पे भी देख सकते हो डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो रही है, और साथ में यहाँ पर आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा प्राइस रिवाइज होता रहेगा। तो फ्रेंड्स, इसके बाद में स्टार्ट हो जाते हैं 238 के यार्ड्स के प्लॉट्स। ये आप देख सकते हो 230 के यार्ड्स का प्लॉट, कोठी बनी हुई। ये डी पॉकेट के अंदर में 200 के यार्ड्स के पॉकेट है, जहाँ पे ऑलमोस्ट बहुत ही कम ही प्लॉट बचे हुए हैं, जहाँ पे आपको एक दो प्लॉट ही मिलेंगे। आप देख सकते हो कंस्ट्रक्शन वाइज रहने के लिए बहुत अच्छा एरिया, ये भी आने वाले टाइम में। तो इसके बाद में मैं आपको लेकर के चलूंगा सी पॉकेट में, वहाँ पे भी 95 के यार्ड से लेके 1000 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स हैं सिर्फ सी पॉकेट में है। ये आप पार्क भी देख सकते हैं छोटा मेंटेन किया हुआ। अब हम पहुंच गए ग्रेटर पंजाब और अल्टस की डिवाइडिंग रोड के ऊपर में, सेक्टर डिवाइडिंग रोड। जो अगर हम बात करें बिल्कुल स्ट्रेट आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी अंबिका, फ्लोरेंस पार्क और ओमैक्स द रिजोर्ट। जो एयरपोर्ट रोड है VR6 ये रोड सेक्टर डिवाइडिंग। तो फ्रेंड्स, अगर आप 200 वाइट रोड पे भी प्लॉट लेना चाहते हैं साथ में, अगर हम बात करें यहाँ पे आपको 475 गज का प्लॉट मिल जाएगा
47x90 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट का साइज रहेगा। ये 200x रोड के आप देख रहे हो, डी पॉकेट और सी पॉकेट दोनों में अपने पास में एक दो प्लॉट अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स इसके साथ में मैं आपको लेकर के चलता हूँ 238 और 333 स्क्वायर यार्ड की प्लॉट्स की ओर। फिर इसके बाद में हम जाएंगे अपना 100 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट पे। ये अब हम एंटर कर गए हैं सेक्टर डिवाइडिंग रोड से, ग्रेटर पंजाब और अल्टस में एंटर हो गए हैं। और आप देखोगे यहाँ पे भी कोठियाँ बहुत अच्छी अच्छी बन रही हैं, पार्क मेंटेन किया हुआ है। और साथ में हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे आप मेरे देखेंगे तो ये 238 के यार्ड्स के प्लॉट हैं। सेम मेरे राइट और लेफ्ट में 238 333 के यार्ड्स के प्लॉट्स हैं। आप कंस्ट्रक्शन भी देख सकते हो, यहाँ पे फुल स्विंग कंस्ट्रक्शन चल रही है। अब हम पहुंच गए हैं अपना 100 के यार्ड्स के प्लॉट्स पे। यहाँ पे भी आपको एक प्लॉट मिल जाएगा पार्क फेसिंग। राइट मेरे राइट हैंड साइड पे ये 190 के यार्ड्स की लाइन है, यहाँ पे भी आपको एक आधा प्लॉट मिल सकता है, एक या दो प्लॉट। अगर आप कम रेट में प्लॉट देख रहे हैं जहाँ पे अभी डेवलपमेंट बहुत कम है, यहाँ पे भी आपको प्लॉट मिल जाएगा, रेट भी बहुत ठीक रेट पे मिल जाएगा इन्वेस्टमेंट के लिए। ये भी लोकेशन अच्छी है, अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं 475 के यार्ड का प्लॉट। तो फ्रेंड्स अब हम पहुंचे 190 के यार्ड के प्लॉट की, और आप देख सकते हो यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन चल रही है, रोड का काम भी स्टार्ट है यहाँ पे भी। और साथ साथ में ये सेक्टर डिवाइडिंग रोड है जो उनसे कि अपना ओमैक्स और अंबिका VR6 रोड के ऊपर में कनेक्ट होगी। और फ्रेंड्स अगर आप कमर्शियल में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सी पॉकेट के अंदर में ये सेक्टर डिवाइडिंग रोड का बहुत अच्छा कमर्शियल है, आप यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपको अल्टस के बारे में जानकारी दी है COD पॉकेट की, जो उनसे कि मैंने आपको पिछली पॉकेट के अंदर में बताया था ए और बी पॉकेट के बारे में, ग्रेटर पंजाब ऑफिसर सोसाइटी में जहाँ पे आपने डेवलपमेंट देखी है थोड़ी सी स्लो जरूर है लेकिन आने वाले टाइम के ऊपर में बहुत ही ज़्यादा आपको आपके लिए रहने के लिए और इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत अच्छे प्रोजेक्ट हैं ये दोनों। और साथ साथ में आप ये भी देख सकते हो दोस्तों, आपको कमर्शियल के बारे में भी बताया गया है मैंने कि भी यहाँ पे आप कमर्शियल में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आई होप अगर आप न्यू चंडीगढ़ में कोई भी प्रॉपर्टी लेना चाहते हो तो आप एक बारी विश्वकर्मा रियल इस्टेट के साथ में कॉन्टैक्ट कीजिए। जय श्री राम मेरे दोस्तों, और दोस्तों मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय श्री राम।